नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मेरठ में ईओडब्ल्यू केएसपी स्वप्निल ममगाई के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जहां थाना कोतवाली बिजनौर पर दर्ज अभियोग की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन मेरठ सेक्टर की तरफ से की जा रही थी। इसमें वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से ईओडब्ल्यू मेरठ की टीम तरफ से टीम गठित करने के बाद स्थानीय पुलिस को लेकर वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह की तलाश भी की गई और उसके आवास बांदा में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेरठ की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। आप बता दें कि मेरठ में ईओडब्ल्यू की टीम ने लंबे समय से बातचीत चल रहे अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए यहां पर टीम की तारीफ हो रही है। दरअसल मेरठ ईओडब्ल्यू के एसपी स्वप्निल ममगाई के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, जहां थाना कोतवाली जनपद बिजनौर पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन मेरठ सेक्टर द्वारा की जा रही थी और इसी में वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह, जो कि ग्राम बजरंगपुर नगवारा थाना अंतर्गत जिला बांदा का है, जहां से उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू मेरठ सेक्टर मेरठ द्वारा टीम गठित करने के बाद स्थानीय पुलिस को लेकर वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह की तलाश की गई और काफी दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी, ढूंढा जा रहा था और उसके आवास बांदा में दबिश दी गई। दबिश देकर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बजरंगपुर नगवारा थाना अंतर्गत जिला बांदा तत्कालीन परियोजना प्रबंधक कार्यालय संस्था उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण और विकास प्राइवेट लिमिटेड इकाई बिजनौर द्वारा जनपद बिजनौर में 13 कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु ये राशि आवंटित की गई थी, जिसको लेकर लगातार धर्मेंद्र जो है, जिसकी गिरफ्तारी हो पाई है, वो सरकार को लाखों का चूना लगा रहा था। दरअसल बालिका आवास विद्यालय के भवन का आधा अधूरा निर्माण करके वो फरार था। काफी समय से उसकी तलाश की जा रही थी। अभियुक्त के साथ अन्य लोगों द्वारा लाखों रुपए की राशि का गबन भी किया गया, जिससे वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह पर करीब करीब कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। हालांकि अभी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ईडब्ल्यूडी प्रयास लगातार कर रही है। तो ईडब्ल्यू की टीम ने धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और जो इसके दूसरे साथी हैं उनकी भी लगातार तलाश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी और ईओडब्ल्यू के एसपी स्वप्निल ममगाई के निर्देशन में इस टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने बहुत अच्छी सफलता पाई है, जहां थाना कोतवाली बिजनौर पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान सेक्टर मेरठ में की जा रही थी। वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साथी फरार हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शामली के कस्बा कांदला में नगर पालिका की जमीन की सफाई कराने गए एसडीएम न्यायिक देवेंद्र सिंह पर दबंगों की तरफ से जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें एसडीएम ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। इस दौरान कई लोगों ने एसडीएम की गाड़ी के सामने लेटने की कोशिश भी की। वहीं एसडीएम पर हमले की कोशिश करने की घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। तो शामली का ही पूरा मामला है, जहां पर एसडीएम ने भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि एसडीएम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश यहां पर दबंगों ने की, जिसके बाद आखिरकार एसडीएम ने भागकर जान बचाई है। मोहल्ला खेल में नगर पालिका की जमीन है और इस जमीन पे हमारे द्वारा जो बोर्ड में एक पार्क बनवाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी क्रम में ये पार्क बनवाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ आपत्ति कर रहे थे, हमारी ज़मीन है, उनके पास कोई कागज नहीं थे, कुछ नहीं थे। अधिकतर लोग नगर पालिका की ज़मीन को अपनी ज़मीन समझ के उस पर कुछ ना कुछ बनाने की फिराक में रहते हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी थी, बदबू थी, यहाँ के सारे लोगों बोर्ड में सर्वसहमति से पार्क पार्क करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस बल के माध्यम से उनका विरोध खत्म करते हुए पार्क का निर्माण किया जा रहा है और उनके पास कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी आधार नहीं है, जिससे कि वो ये सिद्ध कर सके कि उनकी ये भूमि है। ऑलरेडी नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है, लेखपाल के द्वारा भी ये निर्धारित कर दिया गया है, मेरे द्वारा भ्रमण में, ये हमारी नगर पालिका की जमीन है। जब बोर्ड ही लगा हुआ है तो उससे ही ऑलरेडी से दोहरा है कि हमारी नगर पालिका की जमीन है। तो सर, इसमें पार्क और बारात घर बनाया जाएगा? इसमें पार्क बनाया जाएगा और दुकानें निकाली जाएंगी,
और ऊपर बारात घर बनाया जाएगा दुकानों के ऊपर स्टोरी बनाते हुए, जो पार्क और बारात घर दोनों के लिए मोहल्ला खेल के निवासियों के लिए सुविधा प्रदान करें। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर बने हिंडन नाले में एक दर्दनाक घटना हो गई, जहां पति पत्नी की आपसी कलेश के चलते 8 महीने का मासूम बच्चा NH9 से नाले में नीचे की ओर जा गिरा। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे NH9 से गुजरते समय पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों में कलेश के चलते बच्चा नाले में जा गिरा, जिसको ढूंढने में रात से ही नगर निगम का पूरा दलबल लगा हुआ था। वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था। पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह का कहना था कि हमारा पहला कदम बच्चे को ढूंढना है। उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई थी कि इस घटना को लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, तो इसमें बच्चे का बचना तो नामुमकिन है, लेकिन प्रशासन अपनी पुरजोर कोशिश में लगातार लगा हुआ है। दस 11 बजे के बीच में पति पत्नी, पति का नाम सनोज है, ये लोग ऊपर NH9 से जा रहे थे कहीं। जब ये लोग खोड़ा के पास अंडर पास पर पहुँचे ऊपर, तो इन दोनों लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान खींचतान हुई, जिसके दौरान 10 माह की बच्ची जो अपनी माँ के गोद में थी वो गिर गई नीचे नाले में। तब जब हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम लगातार यहाँ प्रयासरत है कि बच्ची को बरामद किया जाए उसके नाले से, और जो जितना समय व्यतीत हो चुका है ऐसा प्रतीत होता है, अगर नाले में गिरी है बच्ची तो उसका जिंदा रहना भी इस समय मुश्किल लग रहा है। हम लोगों ने NDRF की टीम भी के लिए भी प्रयासरत हैं कि वहां से भी टीम आ जाए तो ज़्यादा प्रयास हम लोग कर पाएंगे खोजने में। आगरा में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया विशेष न्यायाधीश MP MLA की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने सांसद के सोमवार को हाजिर न होने पर दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया था। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की गई थी। वर्तमान में इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया समेत कई लोगों के खिलाफ RPF आगरा कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं के समर्थन में कठेरिया ने 24 सितंबर 2009 में राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान रेलवे ट्रैक को रोककर यातायात को बाधित किया था, जिस पर तत्कालीन राजामंडी स्टेशन मास्टर ने रामशंकर कठेरिया, विधायक चौधरी बाबूलाल, महिला कांग्रेस नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक अधिवक्ता KD शर्मा, अधिवक्ता अरुण सोलंकी और कुंवर शैलराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देखिए, हम सबको पता है कि आगरा एक ऐतिहासिक नगर है और यहाँ पर जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू हो और आगरा में हाई कोर्ट खंड पीठ बने, इसके लिए लंबे समय से आगरा की जनता और अधिवक्ता, और केवल आगरा नहीं तो आगरा के और पास के जिलों के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में आह्वान हुआ कि सभी दलों के लोग और सभी सामाजिक संगठन और सभी अधिवक्ता चक्का जाम करेंगे, खंडपीठ की मांग करेंगे। उसके अंतर्गत एक आंदोलन हुआ जिसमें हम लोगों ने भी उस आंदोलन में भाग लिया और खंडपीठ की मांग की, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक किसी तरह का कोई गतिरोध ना करते हुए सरकार का, और जो खंडपीठ की मांग थी वो मांग रखी, और उसी मांग को लेकर के हम लोग राजामंडी गए थे। राजामंडी पर प्रतीकात्मक हम लोगों ने वहाँ पर एक तरह से अपनी मांग को आंदोलन के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन उसके उपरांत रेलवे विभाग ने हम लोगों पर FIR कराई। शामली के कांदला कस्बे में एक परिवार के घर में शादी समारोह चल रहा था। आरोप है कि इस दौरान दो नशेड़ी युवकों ने घर में चार्जिंग पर लगे आधा दर्जन मोबाइल की चोरी कर ली। घर से आधा दर्जन मोबाइल चोरी होने पर घर में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। काफी देर तक लोगों ने अपने मोबाइल की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बाद में दर्जनों लोग इकट्ठा होकर मोहल्ले में एक युवक के घर पहुंचे। लोगों ने युवक पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया और युवक को तालिबानी सजा दी। उसके बाद उसकी घंटों तक जमकर पिटाई की। पकड़े गए युवक ने अपने एक अन्य साथी का भी नाम बताया, जिसके बाद लोगों ने उस युवक को भी पकड़कर उसकी भी जमकर पिटाई की है। इस दौरान पिटाई कर रहे लोगों में से किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।
बलरामपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में दबंगों का आतंक लगातार जारी है, जहां पर दबंगों का कहर एक परिवार पर टूट पड़ा। दबंगों ने घर में घुसकर महिला और पुरुषों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। वहीं किसी ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बताया जा रहा है कि रास्ते में पानी निकालने के लिए पाइप डालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते दबंगों ने महिला और पुरुषों की जमकर पिटाई की थी। तो बलरामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दबंगों ने महिला और पुरुषों की जमकर पिटाई की है। दरअसल पानी का पाइप डालने को लेकर ये विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में एक दूसरे पर लाठी डंडों की बौछार करते हुए लोग नजर आए। जनपद बलरामपुर में थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत देवरिया मुबारकपुर में दो परिवारों के बीच आरसीसी रोड पर नाली बनाए जाने को लेकर विवाद हुआ। उसमें दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के द्वारा थाने में दी हुई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है और लोगों को अभियुक्त जो दूसरी लोग हैं उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिजनौर के बढ़ापुर की रहने वाली 12वीं की छात्रा 26 सितंबर की रात को अपने घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद काफी तलाशने के बाद घर से 20 कदम की दूरी पर गन्ने के खेत में युवती का खून से लथपथ शव मिला। मृतक के परिजनों के मुताबिक युवती के शव के पास एक मोबाइल भी मिला था। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लेकर जब गहनता से छानबीन शुरू की तो मोबाइल सर्विलांस के जरिए 26 दिन में महज एक ही नंबर पर 256 बार कॉल आई थी। कॉल के मुताबिक पुलिस ने नौबाहर सिंह नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी ने हत्या के सारे राज खोल दिए। आरोपी ने बताया कि वो युवती से फोन पर बात करता था और युवती से शादी करना चाहता था। जब युवती ने शादी से मना किया तो युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। बढ़ापुर थाने के कोपा गांव में एक नवयुवती के पेट में नुकीले धारदार हथियार से प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया गया था। वहाँ के SPRA CO स्वाट प्रभारी निरीक्षक ने बहुत जल्दी ही घटना का अनावरण किया। पूरा प्रकरण ये था कि उस युवती का एक गहरा मित्र नवभार सिंह, जिनकी अंतरंगता थी, फिर बाद में उसने शादी का दबाव बनाया क्योंकि दो विभिन्न जातियों के लोग थे। उसने साजिश के तहत अपने एक मित्र रोहित के साथ आया बाइक से और वहां पर ब्लेड से उसके पेट में चोट पहुंचा करके मर्डर कर दिया। आला कत्ल, चाकू, ब्लेड, ट्रक रंजित कपड़ा, अन्य सामग्री बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस वाहन से आए थे मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है। सिद्धार्थनगर में सरकार की तरफ से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जा रहा है, जिससे कोई भी गरीब परिवार छप्पर के मकान में ना रहे। ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अक्सर पात्र लोग आवास से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें अपात्र भी घोषित कर दिया जाता है। ताज़ा मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक के गरदहिया गांव का है, जहां एक विधवा महिला अमीना 3 सेट के कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रही है, जिसको पात्रता 2020-21 के लिस्ट में आवास का लाभ मिला। आवास के लिए फोटो भी खिंचवाई गई, लेकिन उनके खाते में पैसे ना आकर किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज दिया गया, जिसकी जानकारी होने पर महिला ने अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाया और स्थानीय डुमरियागंज विधायक से शिकायत की। विधायक ने अपने लेटर पैड पर लिखकर दिया भी था कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास आया था इस गरीब परिवार के, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। पैसा आया इनके नाम से, दूसरा खाता लगा के पैसा निकाल लिए। जब अधिकारियों के पास गया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। गर्दैया का तो विधायक जी के लगे गए, अपने पेडर पर लिख के दिए। BDO साहब के लगे लेके गए, BDO साहब बाहर फेंक दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसा सब अधिकारी लोग बंदरबाट कर लिए। दिक्कत हो कि आवास पाए सरकार दीस अभी दली ले लिया सबर निशा और ले जाए के दूसरे के दे दी। अब हम परेशान हैं, आए रहा और दूसरे के खाता में भेज दें।
हमें हम नहीं मिला, हमारा फोटो कुल जमा हो गया रहा। जो भी पैसा जाता है वो पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में ही जाता है। अगर किसी त्रुटिवश कहीं पैसा किसी दूसरे के खाते में चले गया तो उसको हम लोग खिंचवा लेते हैं और इंश्योर करेंगे कि जो लाभार्थी है उसी को वो पैसा मिले। गोंडा में बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर गोंडा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से संबंधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के नेता और स्थानीय विधायक आराधना मिश्रा और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनके समर्थकों पर सरकार की तरफ से दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों का विरोध कर प्रदर्शन भी किया गया। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी और प्रियंका जी के आह्वान पर आज हम लोग गोंडा जिले में अपने साथियों के साथ प्रतापगढ़ में जो भाजपा के द्वारा जो हिंसा किया गया और हमारे विधानमंडल दल की नेता आराधना मोना जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और पूर्व सांसद माननीय प्रमोद तिवारी जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, हम लोग उसके उस पर ज्ञापन दिया गया और फर्जी मुकदमे उनके ऊपर से हटाए गए। ये हमारे कांग्रेस जन की मांग है। अगर मुकदमे नहीं हटाए जाते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा घेराव भी करेंगे। आज आपने क्या किया? आज हमने तो राजपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन दिया सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। हरदोई के शहर कोतवाली के वेटगंज मोहल्ले में एक सफाई कर्मी की नाले में डूब कर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सफाई कर्मी बीमार था और नाले के बगल में चबूतरे पर बैठा था, जहां चक्कर आने की वजह से वो नाले के खुले हिस्से में जा गिरा। नाले में गिरने की वजह से डूबने से उसकी मौत हो गई। कुछ बच्चों ने उसे नाले में गिरता हुआ देखा, जिसके बाद बच्चों ने सूचना पर जब नाले की तलाश की गई तो मृतक सफाई कर्मी का शव नाले में पड़ा मिला। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हरदोई का ये पूरा मामला है जहां पर सफाई कर्मी की नाले में गिरने से डूब कर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो सफाई कर्मी है वो काफी बीमार था और जो नाले के सामने चबूतरा बना हुआ था उस पर बैठा हुआ था और चक्कर आने से वो नाले में जा गिरा, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। आसपास जो बच्चे वहां पर मौजूद थे उन्होंने देखा, जिसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। आसपास ने ये सूचना पुलिस तक पहुंचाई, पुलिस मौके पर पहुंची है। नाले की छानबीन की गई तो फिर सफाई कर्मी का शव बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वाल्मीकि निवासी खजांचीपुरा, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, या नाले की सफाई करते हुए चबूतरे बैठे थे, इनको कुछ दौरा इत्यादि पड़ता था, इसके वजह से नाले गिरने से डूब कर इनकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना की तत्काल बॉडी को जमा भर के टीम के लिए भेजा गया। अनावश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अमेठी में कमरौली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस और एसओजी ने मुखबिर की सूचना पर सिंदूरवा रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास से 25,000 के नामी शातिर बदमाश राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमेठी का पूरा मामला जहां पर पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर इंडियन बैंक में दर्जनों किसान बकाया भुगतान का पैसा निकालने पहुंचे थे, लेकिन बैंक में नेटवर्क न होने के चलते कार्य बाधित था, जिसको लेकर किसानों ने जमकर हंगामा काटा। तो वही शाखा प्रबंधक पर पुलिस वालों को बुलाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि किसानों का आरोप है कि जब जब बकाया भुगतान बैंकों में पहुंचते हैं तो बैंक कर्मचारी नेटवर्क का बहाना बनाकर कार्य बाधित कर देते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में महिलाओं की तरफ से भी बैंक कर्मियों की ओर से अभद्रता करने पर प्रदर्शन कर संपूर्ण नगर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, और एक बार फिर से जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लखीमपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बकाया भुगतान का पैसा लेने किसान पहुंचे थे लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से काम बाधित रहा। आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 तमंचे, चुराई गई स्कूटी, 7,000 की नगदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि लुटेरे बेहद शातिर हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को जेल भेज दिया है।
सहारनपुर के देवबंद में माता बाला सुंदरी सिद्धपीठ मंदिर में एक युवक का शव मिला है। वहीं मंदिर के पुजारी और वहां के रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वह युवक की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को भी बुलाया गया। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सहारनपुर का एक पूरा मामला, जहां पर देवी कुंड में युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सहारनपुर क्राइम ब्रांच ने देहात कोतवाली और चिलकाना पुलिस के साथ मिलकर वाहन चोर गिरोह के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए चार शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से कई जगहों से चुराई गई 19 बाइकें बरामद की हैं। इसके अलावा चोरों के पास से अवैध हथियार भी जब्त हुए। वाहन चोर गैंग के बारे में बताया जा रहा है कि गैंग के लोग सहारनपुर और उसके आसपास के जिलों से बाइकों को शातिराना तरीके से चुराकर सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। हाल ही में जिले में वाहन चोरी की कई घटनाओं को गैंग के सदस्यों ने अंजाम दिया। सहारनपुर के SSP डॉक्टर एस चरपन्ना ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इनके गैंग के कई सदस्यों की तलाश में टीम लगाई गई है। आरोपियों पर जल्द ही गैंगस्टर की कार्रवाई करके इनकी अवैध संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। जनपद सहारनपुर में थाना चिलकाना पुलिस, थाना पुलिस कोतवाली देहात और SOG टीम द्वारा संयुक्त रूप से चार वाहन चोरों का गैंगों को पकड़ा है और इनके पास से कुल 19 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और ये अलग अलग जगह से अलग अलग समय पे इन्होंने चोरी किया था और जो चोरी का मुकदमा भी पंजीकृत है और अन्य जो मोटरसाइकिल है उनका भी हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी किया है और कहाँ मुकदमा पंजीकृत है। और फिलहाल इन लोगों को गहराई पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और इनको इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी की जाएगी। बाइक चोरी करने के बाद ये लोग क्या क्या करते हैं? बाइक चोरी करने के बाद जो कुछ कम पैसे में बेचते हैं और इधर और भी कहाँ कहाँ बेचे हैं इनको ये भी पता करवा रहे हैं और गहराई से इनको पुलिस रिमांड पर लेके पूछताछ करेंगे। और इनका क्रिमिनल इतिहास कुछ इनका क्रिमिनल इतिहास भी है इनका और इस संबंध में और गहराई से हम लोग छानबीन करेंगे और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और मेरे द्वारा पुलिस टीम को नगद इनाम भी घोषित किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।